एकादशी को निर्जला व्रत नहीं करते हैं, पर उनकी वीतरागता देखो आप, आनंद आ जाए। उनकी सूझबूझ देखो, आनंद आ जाए। और कहीं निर्जला रखें, पर 11-5 एकादशी का संकेत तो हकीकत में ये है, आप इन 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों का उपवास करना सीखो। आंख को बिन जरूरी न दिखाना, ये आंख का उपवास है। कानों को बिन जरूरी फिल्म का गीत न सुनाना, ये कानों का श्रवण इंद्रिय का उपवास है। बिन जरूरी सोचना नहीं, ये मन का उपवास है। और गलत डिसीजन न लेना, ये बुद्धि का उपवास है। करें इनका उपवास आप और हम मिलकर, फिर देखो जीवन में बरकत कैसे आती है। और इसका उपवास कैसे होगा, हम ये करने में सफल कैसे हो जाएंगे, कि इनसे लग जाए लगन जो फिर कुछ नहीं भाता, लगन लग जाए जो गुरुदेव अपरिचिन्न तत्व का ज्ञान देते हैं, जिससे दूसरा मिट जाए, ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु से लगन लग जाए, उनके ज्ञान में निष्ठा हो जाए, जो इनका ज्ञान है सुनता